अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पावर पेयरिंग सेंटर। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है एलजी की। ठीक है, ये एलजी की फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है, टर्बो ड्रम। ठीक है, और ये इसका मॉडल नंबर है, ये आप देख सकते हैं फूजी लॉजिक T1207TEF T0। ठीक है, तो इसमें मसला ये है कि वॉशिंग पे सही काम करती है, जब स्पिन पे आती है तो ये हमारा ये वाला ड्रम है ये रोटेट नहीं करता, ये ड्रम नहीं घूमता, सिर्फ ये वाला जो उसका प्लिस्टर है सिर्फ ये एक साइड पे घूमता रहता है बस। ठीक है, तो ये ड्रम हमारा रोटेट नहीं करता, तो अभी मैं आपको चला के चेक करवा के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ये देखें ये हमारी मशीन जो है वॉशिंग पे सही काम करती है, रिवर्स और फॉरवर्ड जो है ना वो ये हमारी मशीन चल रही है। ठीक है, अभी ये बंद हो गया है, इसने पानी लेना शुरू कर दिया है। ये वाले जो हमारे वॉल हैं ये वाले, ये देखिए इसने पानी लेना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसको स्पिन पे चला के चेक करते हैं, जो हमारा असल मसला है वो है स्पिनर इसका काम नहीं करता। दोबारा इसको ऑन करते हैं, इसके बाद ये लिखा होगा हमारा स्पिन, स्पिन के बटन को प्रेस किया, इसके बाद हमने स्टार्ट को दबा दिया। अभी जो इसका है, जो इसका ड्रेन पंप है वो ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी क्या है, हमारा जो ड्रम नहीं घूम रहा, सिर्फ वो जो अंदर वाला इसका जो प्लेस्टर है वो घूम रहा है बस। इसकी मैं आपको बता दूं कि जो मोटर है, ड्रेन मोटर सॉरी जो इसकी क्लच मोटर है वो ख़राब है, वो हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे हम वो उतार के दूसरी लगाएंगे। अब हम जो है ना इसकी मोटर को चेक कर लेते हैं। ये इसकी ड्रेन मोटर है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका क्लच है, ठीक है, ये मोटर इसकी ख़राब है जिसकी वजह से ये क्लच को पीछे नहीं खींचती। ठीक है, ये देखें इस तरह पीछे नहीं खींचती, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारा स्पिनर काम नहीं करता। ठीक है, तो ये है इसका जैक, हम यहाँ से जैक उतारेंगे, इसमें सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो अगर तो सप्लाई आ रही है इसका मतलब है कि हमारी मोटर जो है ना वो ख़राब है। ठीक है, तो हम इसको मोटर को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको इसका जैक उतार लेता हूँ, जैक उतार के तो मैं इसको मशीन को दोबारा ऑन करता हूँ, ऑन करके यहाँ पर हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो मैं इसको स्पिन पे चला देता हूँ, ठीक है, ये देखें अभी दोस्तों इसका ये देखें, ये पंप इसका चल रहा है। ठीक है, इसका पंप चल रहा है, जो उसके अंदर पानी होता है वो उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये अब हमारा जो है ना वो मशीन चल रही है। ठीक है, ये आप देखिए मोटर जिसकी ऑन है, अब हमने ये वाला जो क्लच मोटर का जैक है यहाँ पे हमने सप्लाई चेक करनी है। ठीक है, एक वायर जो हम ये देखें, ये इसका तीन तारे हैं, ये वाली एक दो और तीन, एक हमने सेंटर पे रखनी है और एक हम इसके यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारे वोल्टेज 225 वोल्ट जो है ना बन रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे हमारी 220 जो है ना वो सप्लाई बन रही है। ठीक है, लेकिन ये हमारी मोटर नहीं चलती, इसलिए हम मोटर को चेंज करेंगे। ये इसके एक दो और ये तीन इसके जो है ना वो लगे हुए हैं स्क्रू, हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद हम ये दोबारा चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें जो इसकी वायर हैं यहाँ पे हमने सप्लाई चेक करनी है, अगर यहाँ पे सप्लाई ना होती तो इसका मतलब है कि हमारे पीसीबी में फॉल्ट था, फिर हम पीसीबी को रिपेयर करते, लेकिन यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है और हम मोटर जो हमारी काम नहीं कर रही, इसका मतलब हमारी मोटर ख़राब है। तीन स्क्रू थे ये मैंने खोल लिए हैं, अब मैं इसको ये देखिए ये प्लास्टिक टाइप, ये प्लास्टिक है ये वाला,
इसके अंदर जो है ना वो इसको कैसे निकालना है, थोड़ा सा इसको पीछे करना है हमने, पीछे करके ये देखें, ठीक है ये देखें ये बाहर आ गया। ठीक है अब ये वाली मेरे पास मोटर है, ठीक है ये देखें यहाँ पे ये वाली मोटर ये ख़राब है, तो ये वाली मोटर हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर ये वाला लॉक डालना है, ठीक है ये देखें ठीक है दोस्तों ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। तो अब ये जहाँ पे ये लगा हुआ था पहले इधर हम इसको फिट कर देंगे, ठीक है ये देखिए और एक जो हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे आपने इसको खोलना है वैसे ही दोबारा इसके अंदर हमने फिट कर देना है। ठीक है दोस्तों ये वाला जो जैक है हम दोबारा इसके अंदर लगा देंगे। अब हम इसको दोबारा चला के चेक करते हैं। तो दोस्तों मोटर मैंने इसकी लगा दी है, क्लच मोटर जो ख़राब थी मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब दोबारा जो हम इसको मशीन को ऑन करते हैं, ऑन करके स्पिन पे इसको चला के चेक करते हैं। ठीक है ये स्पिन का बटन है और ये स्टार्ट। अभी जो इसका जो ड्रेन पम्प है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये देखें अभी जो है ये हमारा जो है ना वो स्पिनर ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।